Hello students, welcome to math classes. In this video, we learn about theorem 1.4, chapter 1st, real numbers for standard 10th. तो theorem 1.4 समझने से पहले हम theorem 1.3 समझ लेते हैं कि वो क्या है. कि हमारा 1.3 theorem हमें ये बताता है कि suppose कोई number है, उसका square करना है. कि suppose कोई number है हमारे पास 4. और उसके स्क्वायर को कोई नंबर से, मतलब कि कोई प्राइम नंबर से अगर वो डिवाइड हो रहा है, मतलब कि ये 4 का स्क्वायर, मतलब कोई प्राइम नंबर हम ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे 16 है, तो ये इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16. तो 16 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमें ये सब दे दिया है. हमें क्या दे दिया है कि ये हमें चीज दे दी है कि कोई नंबर है. ये नंबर सपोज के ए मान लेते हैं, ए का स्क्वायर के ए के स्क्वायर को कोई नंबर, मतलब के ये पी, मतलब कोई प्राइम नंबर है वो इसको डिवाइड कर रहा है. मतलब हमने यहाँ पे ए क्या ले लिया 4, उसका स्क्वायर मतलब 16 हो गया, और यहाँ पे पी हमने ले लिया 2, तो ये 16 2 से डिवाइड हो रहा है. 16 2 से कितना हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो हमें आंसर मिल रहा है. तो हमें ये थियोरम 1.3 के अंदर ये दिया गया है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. मतलब वो नंबर यहाँ पे क्या है, 4 है, तो 4 मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर था, तो ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को भी क्या करेगा, p डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे 4 है तो 4 को भी क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे 2 आ गया. सपोज दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 3 ले लेते हैं, कि 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 को कोई प्राइम नंबर मतलब 3 ले लेते हैं. तो यहां पर हमें ये चीज गिवन है कि 9 को मतलब कि 3 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है, तो वो 3 को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा. यही हमारा थ्योरम 1.3 है कि दुनिया का कोई भी नंबर है, उसको अगर उसके स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर को भी वो प्राइम नंबर क्या करेगा, डिवाइड करेगा. तो ये कॉन्सेप्ट है जिसको हमें यहाँ पे 1.4 थ्योरम के अंदर यूज करना है. तो आज हम इरेशनलिटी के बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड की एग्जाम में हर साल वो पूछा जाता है क्वेश्चन. तो यहाँ पे √2 का यूज करके यहाँ पे इरेशनलिटी टॉपिक पढ़ना है. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमें बहुत सारे दूसरे भी आ सकते हैं. यहाँ पे √2 की जगह पे √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है. ओके, तो यहाँ पे हम किस तरह से पढ़ेंगे, तो पहले यहाँ पे हम एक मेथड का यूज करेंगे जिसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. कॉन्ट्राडिक्शन मेथड वो होती है कि पहले हमें क्या करना है, उल्टा सोचना है कि √2 यहाँ पे हमें प्रूव करना है इरेशनल. तो पहले हम ये सोचेंगे कि √2 क्या है, रेशनल. और हमारी जो सोच है कि हमने जो सोचा है उसको ही हम क्या प्रूव कर देंगे, गलत साबित कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि ये रेशनल नहीं लेकिन क्या है, वो इरेशनल. ओके, तो ये अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट √2 इज अ रेशनल. हमने पहले क्या मान लेंगे, √2 को रेशनल मान लेंगे. उसके बाद ये जो रेशनल है उसको ही हम उल्टा साबित कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ हो जाएगा. ओके, तो ये लेट हमने कर दिया कि लेट √2 इज अ रेशनल. तो अगर रेशनल है तो हमें पता है कोई नंबर रेशनल होता है तो उसको पी के फॉर्म में हम बता सकते हैं. तो √2 को हम क्या बता देंगे, देयरफॉर √2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. लेकिन यहां पे हमें बताना पड़ेगा कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन हमें ऑलवेज यहां पे लिखनी पड़ेगी कि ए और बी क्या है, को प्राइम है. को प्राइम मतलब ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ मतलब कॉमन, उन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो कौन सा आता होगा, 1 आता होगा. सपोज यहां पे 2 और 3, या तो 2 और 5, या तो दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं 2 और 7. ओके, तो ये एक पेयर है, को प्राइम नंबर की एक पेयर है जिसमें से दोनों नंबर में से क्या आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन निकल रहा है और कोई नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम बोलेंगे. और दूसरा कि b does not equal to 0, मतलब b की वैल्यू कभी 0 होगी नहीं. यहां पे सपोज के 0 पुट कर दिया तो ये तो क्या हो जाएगा, आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा,
a डिवाइड बाय 0 कभी पॉसिबल होगा नहीं। Therefore, यहां पे हम a की वैल्यू क्या जाएगी, a is equal to root 2 multiply by b, तो सपोज इस फॉर्म में अब हम करेंगे नेक्स्ट दोनों साइड पे मैं क्या ले लूंगा स्क्वायर ले लूंगा, देयरफॉर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। ओके तो पहले हमने क्या कर दिया, इसको रेशनल मान लिया, उसके बाद रेशनल है तो इसको PQ फॉर्म में बता पाएंगे और ये कंडीशन ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये b यहां पे डिविजन है तो यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, b की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो स्क्वायरिंग स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो गया और यहां पे √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा 2 और b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर। इसका मतलब ये a स्क्वायर है उसके दो प्राइम फैक्टर मिल गए 2 और a स्क्वायर है उसके दो प्राइम फैक्टर कौन से हो गए 2 और b स्क्वायर हो गए। इसका मतलब कि यहां पे तो इसको नहीं लेना लेकिन हम इसको ले लेंगे कि ये प्राइम नंबर है हमारा 1.3 और हम यहां पे यूज करने के लिए हमने समझाया था कि यहां पे यूज होगा तो a स्क्वायर यहां पे मल्टीप्लाई करके डिवाइड होगा तो a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि ab क्या होगा, जो a स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। तो यहां पे यही कंडीशन आ जाएगी। अब आगे क्या होगा, तो यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर, तो हम लिख पाएंगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 देयरफॉर a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2। अगर a स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड करता होगा तो वो a को भी क्या करेगा डिवाइड करेगा। अब आगे देखते हैं आगे हमारा आंसर क्या रहेगा। सपोज यहां पे a को 2 से डिवाइड कर रहा है, यहां पे a को क्या कर रहा है 2 से डिवाइड कर रहा है, तो कोई क्वेश्चन तो मिलेगा। सपोज यहां पे a है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे कोई नंबर तो मिलेगा ना एज अ क्वेश्चन। ओके तो यहां पे सपोज वो नंबर मान लेते हैं c, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू c, तो c को हमें कोई लेना पड़ेगा तो वो नंबर क्या हो जाएगा, where c is a सम इंटीजर्स, उसको क्या मान लेंगे कि वो कोई इंटीजर्स है, कोई इंटीजर्स से मिलने वाला किसी भी नंबर को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर्स ही आएगा। ओके तो इसको हमने क्या मान लिया कि ये c क्या है कोई इंटीजर्स है, देयरफॉर आंसर क्या आ जाएगा a इज इक्वल टू tc हो जाएगा 2c हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 2c हो गई। आगे जिस तरह से हमने स्क्वेयरिंग यहां पे किया था उस तरह से यहां पे भी स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड पे, देयरफॉर स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। ओके स्क्वेयरिंग कर देंगे बोथ द साइड तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर, और यहां पे a स्क्वायर इज इक्वल टू तो हमारे पास था ही यहां पे a स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी यहां पे सपोज इक्वेशन 1 मान लो, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना लिख पाएंगे हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, और यहां से कहां से आया हमारा फ्रॉम 1। ओके तो यहां पे वैल्यू हो गए तो ये कट ऑफ हो गया 2, देयरफॉर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो वापस से b स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में मतलब के दो फैक्टर मिल गए, क्या कौन से b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय c स्क्वायर, तो यहां पे ये 2 ये प्राइम फैक्टर है इसके मतलब यहां पे हम 1.3 का यूज कर सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिख पाएंगे कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो b को हम 2 से डिवाइड कर पाएंगे। अगर b स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं मतलब b को भी क्या कर पाएंगे डिवाइड कर रहे हैं, अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब जो b होगा जो नंबर होगा ये तो क्या है हमें b का स्क्वायर करके कुछ नंबर मिला हुआ है, सपोज यहां पे 2 रखेंगे तो वो कौन सा नंबर ये होगा 4 होगा क्योंकि b की जगह पे 2 रखेंगे तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 को अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसका मतलब ये जो b है 2 है उसको भी क्या कर पाएंगे तो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पे a इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, ab कितने से डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड हो रहा है,
बी भी कितने से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ए और बी के अंदर एक कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 2। तो यहाँ पे ए और बी के पास क्या है, एक कॉमन फैक्टर है 2 है। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या लिखा था कि वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, हमने तो यहाँ पे ये लिखा था कि ए और बी तो क्या है, को प्राइम है। बट ए एंड बी आर को प्राइम, लेकिन हमने तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए और बी तो क्या है, को प्राइम है। को प्राइम जो नंबर होता है उसके अंदर तो 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर आता नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा क्या साबित हुआ, यहाँ पे तो ये प्रूव हुआ कि दोनों के पास एक कॉमन फैक्टर है 2। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो सोचा था वो तो गलत है। तो यहां हमें लिखना पड़ेगा कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, तो ये तो क्या होगा, उल्टा हो गया। हमने सोचा था कुछ और ये निकला कुछ और। ओके, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मीन्स क्या हुआ कि अवर एजम्पशन हमने जो सोचा था वो क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया, कि अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमने क्या सोचा था कि रूट 2 इज अ रेशनल, तो हमने ये सोचा था कि रूट 2 इज अ रेशनल, तो ये हमने जो सोचा था वो तो क्या हो गया, रॉन्ग प्रूफ हो गया। देयरफॉर रूट 2 इज अ इरेशनल, तो ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पूरी प्रोसेस करके ये जो भी नंबर दिया गया है उसको इरेशनल प्रूफ करना है। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी ये मेथड। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।